गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 10 पढ़ेंगे। पार्ट 10 का नाम है उपयोगी पशु। क्या नाम है? उपयोगी पशु। चलिए अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ। पहले उससे पहले हम शब्दार्थ इसके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो मैं शब्दार्थ करवा देती हूँ पहले आपको। चलिए मैंने नोटबुक में लिख कर रखे हैं तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखिए शब्दार्थ हमारे हैं, पहला है विषय। विषय मतलब बारे में। विषय मतलब बारे में। विषय का अर्थ क्या है? बारे में। विषय बारे में मतलब किसी के बारे में। तो विषय का अर्थ क्या होता है? बारे में। नेक्स्ट है सहायता, मदद। सहायता का अर्थ क्या है? मदद। हम किसी की हेल्प करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, तो सहायता का मतलब होता है मदद। नेक्स्ट है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब अलावा। अतिरिक्त मतलब अलावा। अतिरिक्त का अर्थ क्या है? अलावा। नेक्स्ट है धसना। क्या है? धसना। धसना मीन्स अंदर की ओर जाना। धसना का अर्थ क्या है? अंदर की ओर जाना। जैसे दलदल होती है, दलदल में जैसे हमारा पैर चला जाए, हम निकालने की उसे कोशिश करेंगे तो हम और धंसते चले जाएंगे उसके अंदर। तो जैसे दलदल होती है तो दलदल के अंदर हम अंदर होते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। तो धंसना मीन्स होता है अंदर की ओर जाना। नेक्स्ट है चिकित्सक। चिकित्सक होते हैं डॉक्टर। कौन होते हैं चिकित्सक? डॉक्टर। नेक्स्ट है सताना। सताना मतलब परेशान करना। सताना मतलब, सताना का अर्थ क्या है? परेशान करना, किसी को सताना, परेशान करना। सताना परेशान करना। नेक्स्ट है सदैव। सदैव मतलब हमेशा या सदा। तो इसमें से हम एक याद कर सकते हैं, सदैव हमेशा सदा। सदैव का मतलब है हमेशा सदा। हम कोई काम हमेशा करते हैं, सदा करते हैं। सदैव हमेशा सदा। सदैव हमेशा सदा। तो फिर से एक बार रिपीट करवा दूं। विषय बारे में, सहायता मदद, अतिरिक्त अलावा, धसना अंदर की ओर जाना, चिकित्सक डॉक्टर, सताना परेशान करना, सदैव हमेशा सदा। तो आप सभी बच्चों ने शब्दार्थ पढ़ लिए। अब सभी बच्चों को नोटबुक में शब्दार्थ करना है। ओके, सभी बच्चे अच्छी अच्छी राइटिंग में नोटबुक में शब्दार्थ करेंगे। अब हम बुक पर आ जाते हैं। पेज नंबर 49 ओपन कर लें सभी बच्चे। चलिए रीडिंग लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं। अब हम मैडम, कौन है यहाँ पर? एक मैडम है, वो क्या बोल रही है? बच्चों आज हम उपयोगी पशुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपयोगी कौन होते हैं? उपयोगी यूजफुल मतलब यूजफुल पशुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से जानवर हमारे लिए उपयोगी होते हैं तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैडम बच्चों से ये बोल रही हैं इस कहानी में। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है पूर्वा। क्या है? पूर्वा इसका नाम है। ये बोलती है मैडम से, मैडम उपयोगी पशु किन्हें कहते हैं? उपयोगी पशु किन्हें कहते हैं, वो मैडम से पूछती है। मैडम क्या बोलती हैं? मैडम बोलती हैं उपयोगी पशु वे होते हैं जो हमारी किसी ना किसी काम में सहायता करते हैं। उपयोगी पशु कौन होते हैं? जो हमारा किसी ना किसी काम में सहायता करते हैं। सहायता मतलब मदद करते हैं। तो उनके बारे में, पशुओं के बारे में मैडम ने बताया है। अब दूसरा बच्चा है संध्या। पहली पूर्व हो गई, अब दूसरी है संध्या। संध्या बोलती है मैडम से, मैडम उपयोगी पशु कौन कौन से हैं? उसने पूछा मैडम से, उपयोगी पशु कौन कौन से होते हैं, मुझे नेम बताइए उसका। तो मैडम बोलती हैं कौन कौन से हैं? मैडम बोलती हैं गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली आदि
उपयोगी पशु हैं। तो मैडम ये बोलती हैं ये सारे जानवर कौन हैं? उपयोगी पशु हैं, यूजफुल एनिमल्स हैं। तो मैडम बता देती हैं कौन कौन से उपयोगी जानवर होते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है वेदांत। वेदांत क्या बोलता है? नेक्स्ट बच्चा है वेदांत। वेदांत बोलता है मैडम गाय किस प्रकार एक उपयोगी पशु है। तो मैडम से पूछता है कि गाय किस प्रकार एक उपयोगी पशु है, एक यूजफुल एनिमल कैसे है वो। तो मैडम बोलती हैं गाय हमें दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। क्यों बच्चों? गाय क्या देती है? दूध देती है। और भैंस भी तो दूध देती है हमें। तो आगे क्या है? अतः यह एक उपयोगी पशु है। तो इसलिए ये एक उपयोगी पशु है। गाय हमें दूध देती है तो हमारे लिए यूजफुल हुई क्या नहीं हुई? क्या करती है? हमें दूध देती है तो ये हमारे लिए उपयोगी पशु है। अब आगे देखिए। अच्छा नेक्स्ट पेज टर्न करिए। जब बताओ हमें गाय के अतिरिक्त और कौन कौन से पशु दूध देते हैं। तो देखिए यहाँ अतिरिक्त मतलब क्या होता है? अलावा। तो मैडम बोलती हैं बताओ बच्चों हमें कौन कौन से पशु दूध देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा बोलता है भुवन। भुवन बोलता है मैडम भैंस बकरी और ऊटनी भी हमें दूध देती हैं। तो ये वाले जानवर हैं भैंस बकरी ऊटनी, ये भी सब हमें जानवर दूध देते हैं। तो भुवन ने बता दिया जल्दी से। तो देखिए मैडम क्या बोलती हैं। देखिए मैडम, पहले मैं पिक्चर दिखा दूँ मैडम की। यहाँ मैडम है, यहाँ बच्चे बैठे हैं और ये पशुओं की पिक्चर है। अब देखिए मैडम बोली शाबाश भुवन, उससे बोलती हैं शाबाश बेटा भैंस गाय बकरी का दूध तो बहुत से लोग पीते हैं। तो भुवन से बोलती हैं भैंस गाय बकरी का दूध तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन ऊटनी का दूध रेगिस्तान में रहने वाले लोग ही पीते हैं। और ऊटनी का दूध कौन पीता है? रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ऊटनी का दूध पीते हैं। रेगिस्तान मतलब राजस्थान में रेतीली जगहों पर कौन पीता है? मतलब कौन पीता है? रेगिस्तानी लोग पीते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान मतलब राजस्थान, रेगिस्तान मतलब राजस्थान में जो लोग रहते हैं वही ऊटनी का दूध पीते हैं। अब आगे क्या होता है? साक्षी मैडम घोड़ा किस प्रकार एक उपयोगी पशु है। तो साक्षी बोलती है घोड़ा कैसे उपयोगी पशु हुआ। तो मैडम क्या बताती हैं उसे? घोड़ा सवारी के काम आता है। किसके काम आता है? सवारी के काम आता है। हम घोड़े पर बैठते हैं, सवारी करते हैं, तो घोड़ा सवारी के काम होता है। इसका उपयोग तांगे को खींचने में किया जाता है। तांगा देखा है आप लोगों ने? देखा है क्या? नहीं देखा है? देखिए तांगे को घोड़ा क्या करता है? खींचता है। घोड़ा तांगे के काम आता है। अब बताओ सवारी के लिए और कौन कौन से पशु काम आते हैं। और मैम बोलती हैं कि सवारी के लिए चलो बताओ और कौन कौन से पशु काम आते हैं। घोड़ा तो हमने जान लिया कि सवारी के लिए काम आता है, अब कौन कौन से पशु जो सवारी के लिए काम आते हैं उनके नाम बताओ। और बताओ सवारी के लिए कौन कौन से पशु काम आते हैं। तो बच्चों इतने ही चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, कल बताएंगे आपको सवारी के लिए और कौन से पशु काम में आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? पहले यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। चलिए बोलकर मुझे जवाब दीजिएगा। ये अब मैं पूछ लूँ आपसे, मैडम बच्चों को किन पशुओं के बारे में बता रही थी। तो बच्चों को किन पशुओं के बारे में मैडम बता रही थी? बताइए बता दी। उपयोगी पशुओं के बारे में मैडम बच्चों को बता रही थी। कौन से पशुओं के बारे में? उपयोगी पशुओं के बारे में मैडम बच्चों को बता रही थी। क्यों बच्चों? सही है ना इसका आंसर। नेक्स्ट, गाय हमें क्या देती है?
क्यों पुनीत? गाय हमें क्या देती है बताइए, इसका आंसर दूध देती है ना गाय हमें, तो ये इसका आंसर होगा, गाय हमें दूध देती है। ओके बच्चों, तो यहीं तक आज हम चैप्टर पढ़ लिया आज हमने चैप्टर। ओके, अब आगे पढ़ेंगे कल। ओके बाय बाय बच्चों।